हेलो फ्रेंड, मैं रेनू। और आप सब कैसे हैं? ये देखिए फ्रेंड, हमारा दुरंता कितने अच्छे से ग्रोथ पे है। फ्रेंड ये मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसका हेज बनाया जाता है फ्रेंड, और ये देख रहे हैं कितनी प्यारा लग रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं इसकी ग्रोथ और कितना प्यारा प्लांट है फ्रेंड। इसको पानी चाहिए होता है, दिन में एक बार तो इसको पानी चाहिए ही चाहिए। देखिए इसकी मिट्टी सूख गई है, और ये कितना खूबसूरत प्लांट है। ये बिना केयर के आपके अच्छे से चलता है। ये गार्डन वगैरह में हेज के रूप में लगता है फ्रेंड, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये देखिए हमारी अम्ब्रेला लिली, देख रहे हैं पत्तियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं इसकी। ये देखिए हमारा अरेलिया, अरेलिया भी खूबसूरत लग रहा है फ्रेंड। इसकी लीव भी देखिए कितनी प्यारी लगती है, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगता है ये प्लांट, बहुत प्यारा प्लांट है। वो देखिए हमारा डायंथस खिला हुआ है, और ये देखिए हमारा चंपा बहुत अच्छी ग्रोथ पे है। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आई है फ्रेंड, और मुझे लगता भी नहीं कि इस बार आने वाली। मैंने इसका पॉट चेंज किया था, और उसके बाद ये अच्छे से और ग्रोथ पे आ गया। पहले ये छोटे से पॉट में लगा हुआ था फ्रेंड। अब देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इसकी, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत प्लांट है। मुझे तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और बहुत प्यारा प्लांट है फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड, जैसे फूलों की चादर लगी हो इसमें, बहुत खूबसूरत लगता है। ये चांदनी देखिए कितना अच्छा सा बिना केयर के बहुत अच्छे से चलता है, और ये बहुत प्यारा प्लांट है फ्रेंड। मुझे तो ये चांदनी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है, और रात में तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देता है फ्रेंड, जिसकी कोई हद नहीं, बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है। और वो देखिए ये हमारा है टच मी नॉट, देख रहे हैं फ्रेंड, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल ये टच मी नॉट है। देखिए इसमें भी पानी नहीं है फ्रेंड, परसों बारिश हुई थी उसके बाद फिर मैंने दिया नहीं पानी। और ये देखिए दो हमारे गेस्ट कितने प्यारे से हैं, और ये मॉर्निंग का व्यू है फ्रेंड, और देखिए कितने प्यारे प्यारे से हैं दोनों, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और फ्रेंड मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि देखिए ये मेरा पिंक कलर का मुसेंडा है, और देखिए इसमें अच्छे से बर्ड्स आने लगी हैं, और ये मुझे बहुत अच्छी ब्लूमिंग देने वाला है। ये देखिए इसकी ग्रोथ भी अच्छी है, ये मेरा 3 महीने का प्लांट है। तो फ्रेंड आज का हमारा टॉपिक है कनेर का प्लांट। ये देखिए कितने अच्छे से इसमें बर्ड्स हैं फ्रेंड, और देख रहे हैं चारों तरफ। और ये जितने भी समर में गर्मी पड़ती है वो उतने अच्छे से फ्लावरिंग करता है। जितनी भी इसको मई जून में की गर्मी में भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है फ्रेंड, ये अच्छे से ब्लूमिंग आपको देता है। और बस हाँ, इसने जून में फ्लावरिंग अपनी रोक दी थी, और अब देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है। इसकी कटिंग भी इजीली ग्रो हो जाती है, और इसे पानी भी दे दीजिए तो ठीक है, नहीं दीजिए तो ठीक है, मतलब ये बिना केयर के अच्छे से चलने वाला प्लांट है। आप इसमें DAP डाल सकते हैं फ्रेंड, और मस्टर्ड केक है, सरसों की खली है, ये भी दे सकते हैं। और जो आप अपने पेड़ों को फर्टिलाइज़ करते हैं वो फर्टिलाइज़र आप इसको दे सकते हैं फ्रेंड, और महीने में इसकी एक बार गुड़ाई कर दीजिए, और इसको जो है पानी दिन में एक बार आप दे सकते हैं जब मिट्टी सूखी हो। तो आप देख सकते हैं मेरा डार्क पिंक कलर का है, और ये बहुत खूबसूरत फ्लावर लगता है। और इसकी मिट्टी आप जो है ज़्यादा सॉफ्ट मत बनाइए, रिवर्स एंड मत मिलाइए, आप काऊ डंग और क्या नाम है गार्डन सॉइल लेके इसकी मिट्टी अच्छे से बना लीजिए फ्रेंड। और कोई ख़ास ज़रूरत तो इसकी नहीं है, ये बस इतना ही कर लीजिए आप, रिवर्स एंड थोड़ी बहुत मिलाना हो तो एक दो मिट्टी मिला लीजिए, वरना ज़रूरत नहीं। इसको हार्ड सॉइल ही पसंद है, क्योंकि इसका पानी सूख जाए फ्रेंड, जब पानी नहीं सूखेगा तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। और इसको गर्मी बहुत पसंद है फ्रेंड, विंटर में ये डॉर्मेंसी पीरियड में चला जाता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरा आलमंडा भी कितना खूबसूरत है, देखिए मैं रोज़ दिखाती हूँ क्योंकि ये रोज़ फ्लावरिंग करता है और अच्छे से करता है, देख रहे हैं आप, ये ऊपर तक जा रहा है, ऊपर देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग किया हुआ है इसने। अब शायद ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, और धूप निकलने वाली है फ्रेंड। तो चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपने प्लांट्स का ख्याल रखिए, और प्लांट्स ज़रूर लगाइए फ्रेंड, क्योंकि ये अमेज़ॉन फॉरेस्ट में जो आग लगी है उसकी वजह से हम लोगों को 20% ऑक्सीजन जो मिलती थी वो अब नहीं मिल पाएगी। तो प्लीज़ 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 अपने घर में प्लांट लगाइए, और मैंने आपसे बोला ना कि बिना केयर के जो प्लांट्स हैं वो लगाइए आप लोग फ्रेंड्स, तो बहुत ज़रूरी है। और ये कनेर भी आपके बिना केयर के अच्छे से चल सकता है फ्रेंड। तो चलते हैं फ्रेंड्स, बाय, हैप्पी गार्डनिंग।